हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग 8 और इस भाग में हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में और उससे आगे जो भी शासक रहे उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इससे पहले के पार्ट 1 से लेकर के 7 पार्ट या 7 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जीके वीडियो बुक की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वो सभी पार्ट बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। उन सभी पार्ट को आप देखिए, उनके नोट्स बनाइए और उनको समझने का पूरा प्रयास करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में, ठीक है। खिलजी वंश की शुरुआत कब से कब तक हुई इसके बारे में देखिए, खिलजी वंश का जो काल था वो था आपका 1290 से लेकर के 1330 ईस्वी तक ये रहा और गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 30 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी। खिलजी वंश की स्थापना किसने करी तो आपको याद रखना है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। आगे बात करते हैं कि इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया और जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर, जो कहां पर है, यह इलाहाबाद में कर दी। और 12 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन कब बना तो आपको ये याद रखना है, ये बना था आपका 1296 ईस्वी में। आगे बात करते हैं हम लोग कि अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था, तो इसके बचपन का नाम था अली या फिर गुरसास्प। और अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने अथवा एवं स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी, मतलब परमानेंट इसके पास एक मिलिट्री थी। आगे बात करते हैं कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने करी थी, तो ये करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का आधा भाग कर दिया। इसने खम्स मतलब लूटा हुआ धन या फिर लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा कितना होता था, 1/4 के स्थान पर इसने बोला कि मुझे 3/4 भाग मिलना चाहिए। आगे इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। अगर कोई व्यापारी किसी भी ग्राहक को अगर कम सामान देगा, कम तोलेगा, तो उसके शरीर से एक मांस का टुकड़ा काट लिया जाता था। तो ये प्रथा किसके शासनकाल में थी, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी हम लोग अगर बुक को अच्छे से रीड नहीं करते तो ये जो पॉइंट है हमारे माइंड से स्किप हो जाता है, बुक से स्किप हो जाता है। बुक होते हुए भी हम लोग सही आंसर उसमें लिखा था लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता। तो आप याद रखिएगा कि व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश किसने दिया था, ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा। और इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू करा था। आगे बात करते हैं हम लोग की दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था और जामियत खान मस्जिद, अलाई दरवाजा, सिरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। आप याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत कुछ कराया था अपने शासनकाल में, जैसे अभी हमने देखा कि मांस का टुकड़ा काट लेता था, 1/4 भाग के स्थान पर इसने 3/4 भाग कर दिया, लूटे हुए धन का स्पेस का इतना हिस्सा होता था। और उसके बाद मलिक काफूर को कहाँ भेजा या मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी या फिर जामियत खान मस्जिद, अलाई दरवाजा, सिरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण किसने कराया था, आपसे एग्जाम में पूछता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है अलाई दरवाजा। आपका कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उन सभी एग्जाम में आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया या फिर सिरी का किला किसने बनाया, इसका निर्माण किसने कराया, तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे हम बात करते हैं, देखिए कि दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था और सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। और इसके बाद हम बात करते हैं, काफ़ी अच्छा पॉइंट ये है आपके सामने जो आने वाला है वो ये है कि अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था, ठीक है।
जैसे कोई भी वस्तु होती है वो मार्केट में उसका आयात निर्यात सेल मतलब क्रय विक्रय इन सब के परमिट मिलता है, ठीक है। तो वो परमिट जो जारी करता था वो कौन करता था, वो करता था परवाना नवीस नामक एक अधिकारी होता था जो वस्तुओं को परमिट जारी करता था कि हाँ ये वस्तु जो है काफ़ी गुणवत्ता से काफ़ी अच्छी है और ये मार्केट में सेल हो सकती है। तो इस तरह का परमिट कौन करता था जारी, परवाना नवीस नामक एक अधिकारी। और ये किसके काल में चला था, ये आया था अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त करा गया एक व्यक्ति होता था जिसको बोलते थे परवाना नवीस। आगे बात करते हैं, देखिए सहना ए मंडी मतलब यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। और सराय अदल यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पर वस्त्र शक्कर जड़ी बूटी मेवा दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। आगे हम बात करते हैं, देखिए इसमें थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी हैं कि बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्या क्या थे, मतलब कौन कौन सी डेजिग्नेशन थी उसमें, वो क्या क्या काम करते थे। अब बताइए कि इंडिया में अगर दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस क्या काम करेगी, ठीक है। दिल्ली पुलिस का काम क्या है, सुरक्षा को बनाए रखना, ठीक है, लोग जो भी नियम बनाया गया उन सबकी देखभाल करना, ये पुलिस का काम है। पुलिस का काम ऑपरेशन करना तो नहीं है ना, डॉक्टर ना तो पुलिस का काम करता है और पुलिस ना ही कभी डॉक्टर बन सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या था, हर एक की एक एक पोस्ट थी। जैसे हम बात करते हैं दीवाने रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, यह बाजार नियंत्रण को पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। कोई भी अगर जो मूल्य डिसाइड करा गया है किसी भी वस्तु का, उससे अधिक मूल्य पर अगर कोई व्यापारी वस्तु को बेचेगा तो उस पर क्या होगा, उस पर फाइन लगेगा या फिर मांस का टुकड़ा उसके बॉडी से काट दिया जाएगा। अभी हमने पीछे देखा था। अब करते हैं अगली जो पोस्ट थी, जो पद था वो है आपका सहना ए मंडी। प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। अगला है आपका बरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका मून हियान वे गुप्तचर मतलब गुप्त सूचना प्राप्त करता था, ठीक है। आप याद रखिएगा गुप्त सूचना कौन प्राप्त करता था, ये करता था मुनि हियान या मून हियान वे गुप्तचर। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगले पेज पे बढ़ते हैं हम लोग, कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति कौन सी थी, इसका नाम था तारीखे फिरोजशाही में मिलती है। कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति क्या थी, उसकी व्यापक जानकारी, उसकी डिटेल में आपको जानकारी कहाँ मिलती है, वो मिलती है जियाउद्दीन बरनी ने कृति एक रचना लिखी थी उसके संबंधित, तो उसका नाम था आपका तारीखे फिरोजशाही में। आपको पूरी डिटेल अलाउद्दीन खिलजी की मिल जाएगी, उसकी नीति क्या थी, प्रशासनिक शासन उसका कैसा रहा, किस तरह से रहा, उसकी क्या नीति थी व्यापार को लेकर के, युद्ध को लेकर के, सब की सब डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। आगे बात करते हैं, देखिए खजा इनुल फतहु अमीर खुसरो रिहला इबन बतूता एवं फतहु हस लातीन इसामी की कृति है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब मतलब सेंसर एवं नाजिर मतलब नाप तोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, ठीक है। कौन सी वस्तु मार्केट में आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए वो काम किसका होगा, वो होगा सेंसर बोर्ड का। सेंसर बोर्ड अभी आप जानते हैं कि फिल्मों में काम करता है, ठीक है, फिल्मों में काट छाट करता है सेंसर बोर्ड, लेकिन वहां पे कहते थे इसको मुहतसिब, ठीक है। आगे बात करते हैं, नाजिर का काम था कि नाप तोल अधिकारियों से संबंधित वो कार्य करता था कि इसकी नाप तोल क्या रहेगी इस वस्तु की, तो ये सब कार्य करता था। और ये प्रीलिम्स एग्जाम में कई बार पूछा गया, यूपीएमपी या फिर अदर यूकेपीसीएस के जो एग्जाम होते थे वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन अगर आप केवल एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को अगर याद कर लेते हैं तो भी अच्छा है, ना करते हैं तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं पड़ती इससे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा का मतलब जो वहां का राजा होता था वो सारी भूमि किसकी होती थी, राजा की, ठीक है ना। खालसा का मतलब होता है भगवान अधिकारी, तो उस राज्य का भगवान कौन होगा, वहां का राजा। तो उसने क्या करा, वापस भूमि सारी ले ली जो इनाम में भूमि दी गई थी, उसने बोला कि इनाम की भूमि जिसने दी थी अब वो राजा खत्म हो गया, अभी चला गया, अब ये भूमि मुझको वापस कर दो, तो क्या हो गया, खालसा भूमि में बदल दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे, दो नए कर थे, नए टैक्स थे, कौन कौन से टैक्स थे, एक था आपका चराई कर। अब जो देखिए जो भी कोई दुधारू पशु होते थे
ठीक है। अब जो पशु होंगे तो उनको खाने के लिए क्या करते थे, जो उसके मालिक थे सिंपल ओपन खेत पे उसको चराने के लिए लेके जाते थे। तो अब अलाउद्दीन खिलजी ने बोला भाई ऐसे नहीं चलेगा, कोई भी तुम किसी के भी खेत में मतलब अपने एनिमल ले आओगे, पशुओं को ले आओगे, खिलाओगे पिलाओगे और बाद में जो उससे प्रॉफिट होगा पशु से वो तुम ले जाओगे बड़ी आराम से, ऐसा नहीं होगा। अब ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, अब चराई कर देना पड़ेगा। किसी भी खेत में अगर कोई भी आदमी पशुओं को चराते हुए मिला तो उस पर फाइन लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। उसको अपने जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इस तरह से डराया गया और चराई कर मेन था, और दूसरा कर जो था वो था गड़ी कर, मतलब घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था, ठीक है ना। जो इंसान घर पे रहते हैं जैसे हम बोलते हैं कि हाउस टैक्स, ठीक है, तो वहां पर भी हाउस टैक्स था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। दो मेन कर थे। आगे बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई कब, 1316 ईस्वी में। आप याद रखिएगा इसकी डेथ कब हुई थी, 1316 ईस्वी को इसकी डेथ हो गई थी। आगे बात करते हैं, देखिए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, ठीक है, जो मतलब कि स्त्री जो नग्न होती थी, मतलब इस तरह की, मतलब ये इंसान काफ़ी करेक्टर है ऐसा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और आगे बात करते हैं, देखिए मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। देखिए यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा शासक राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर कभी भी आ जाता था। यहाँ पर आपको क्वेश्चन एक ये बनता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एसएससी एग्जाम में। ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको प्लीज़ नोट मत करिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं कि नोट नहीं करने चाहिए, उनको तुरंत याद कर लेना चाहिए। वीडियो को पॉज करिए और याद करिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं अगले पॉइंट की ओर, कि बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर भी, मतलब बिना किसी कपड़ों के भी दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था, मतलब इसको सनकी बोलते थे थोड़ा बहुत, ठीक है ना। अभी स्त्री के वस्त्र पहनकर राज दरबार में आ जाना कहाँ का तुक बनता है, और स्त्री को ठीक है बिना कपड़ों के देखना तो काफ़ी अच्छा लगता था, तो ये कहाँ का बनता है लॉजिक। तो इसका बोलते थे कि थोड़ा सा सिरफिरा इंसान है, पागल इंसान है, कुछ भी कह सकते हैं इसको। आगे बात करते हैं कि मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण करी थी, किसने खलीफा की उपाधि धारण करी थी, उसका नाम क्या था, मुबारक खान। और मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1330 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी, ठीक है, खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। आगे हम बात करते हैं, देखिए तुगलक वंश के बारे में। देखिए तुगलक वंश अब स्टार्ट हुआ है हमारा, इसका जो कार्यकाल रहा था वो रहा था आपका 1320 से लेकर के 1398 ईस्वी तक, ठीक। देखिए 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और आगे बात करते हैं हम लोग कि गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल पर आक्रमण को विफल किया, 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। और गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया, और इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया। सबसे ज़्यादा जो कुएं बनाए गए थे, नहर बनाई गई थी किसानों के लिए, लोगों के पानी पीने के लिए, तो वो बनाई थी आपकी किसने, गयासुद्दीन ने। और नहरों का निर्माण करने वाला कौन था, गयासुद्दीन प्रथम था, ठीक है। और सबसे पहली जो नहर का निर्माण कराया था वो किसने कराया था, गयासुद्दीन ने। और गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक का एक नया नगर स्थापित करा। तुगलकाबाद गयासुद्दीन ने बसाया था, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। और रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ है, और इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, 56 कोट के इसको नाम से जाना जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। देखिए मैं केवल उसी पॉइंट पे ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ जो पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि यार कि मैं तुमको बस केवल लाइन टू लाइन पढ़ाता जाऊँ, बस बोलता जाऊँ स्पीड में। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि इस चैनल पे एक ऑडियो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको बिल्कुल एक मतलब स्पीड तरीके से आपको पढ़ाया गया है, मतलब कि एक चाबी भर रखी है वॉइस में और मैंने उसको स्टार्ट कर रखा है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे पहले, देखिए यहाँ पे पॉइंट में मैं आपको बता दूँ कि कैसे बोला गया है, उसमें सिंपल कट टू कट, उसमें बोला है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी, ठीक है। मतलब इस तरह से आपको कोई फालतू समझाया नहीं गया, बट मेरा मानना यह है कि अगर वीडियो बनाया जा रहा है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आपको समझाया जाए।
तो अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा हो तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ऑडियो फाइल को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। देखोगे तो खैर क्या, केवल उसको सुन सकते हो, ठीक है। लेकिन वीडियो अगर आप सुन रहे हैं, आपने स्टार्टिंग के सारे वीडियो देखे हैं, तो बच्चों प्लीज़ मैं कहूँगा कि अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो। आगे हम बात करते हैं। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1325 ईस्वी में, बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी, ठीक है। जूना खां ने एक लकड़ी का एक महल बनाया था, उसमें क्या हो गया, थोड़ा सा मतलब उसकी छत गिर गई और वो दबकर के क्या हो गया, गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई। कब हुई? 1325 ईस्वी में। आगे बात करते हैं। देखिए, गयासुद्दीन के बाद जूना खां यहाँ पर आया और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा, जूना खां, दोनों नाम सेम है और इसको आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित था। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था मध्यकालीन सुल्तानों में? ये था मोहम्मद तुगलक, और काफी विद्वान भी था और काफी योग्य व्यक्ति भी था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाएं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव करने के कारण इसको बोलते थे स्वप्नशील, मतलब सपनों में खोया हुआ, मतलब मुंगेरी लाल के सपने, ठीक है। इन शॉर्ट आप ये समझ लो, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता है। आप याद रखिएगा, रक्त पिपासु किस शासक को कहा जाता था, तो उसका नाम क्या है, आपके एग्जाम में ये पूछता है, ठीक है। या तो आपको एग्जाम में बोलेगा रक्त पिपासु, या फिर आपको बोलेगा स्वप्नशील, तो दोनों ही आपको ये नाम याद रखने हैं। किसको कहते थे? मोहम्मद बिन तुगलक को, अपनी सनक के कारण इसको पागल बोलते थे, बड़बोला बोलते थे। बड़बोला तो खैर बहुत ही कम अदर स्टेट में ये वर्ड यूज करा गया है, बड़बोला, लेकिन आपके SSC एग्जाम में ऐसा कोई वर्ड आपको नहीं देगा, आपको देगा वहां पे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु। देखिए, आगे बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना करी। अमीर-ए-कोही का कार्य क्या था? अमीर-ए-कोही विभाग का कार्य क्या था? इसका कार्य था कृषि के विकास के लिए कार्य करना। और इस विभाग की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो आपको ये याद रखना है कि इस विभाग की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित करी, और इसका नाम क्या रखा था? इसका नाम रखा दौलताबाद। आगे बात करते हैं। देखिए कि सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, मतलब फरिश्ता के अनुसार, तांबा, बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, मतलब इसने पीतल और तांबे धातुओं के सिक्के चलाए, जिनके मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। अब हम बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित चार योजनाएं कौन कौन सी थी, इसकी चार प्लानिंग कौन कौन सी थी, ठीक है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री स्कीम लाते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लाते हैं, या फिर वो लाते हैं पेंशन योजना, ठीक है, अटल पेंशन योजना, इस टाइप की जो भी स्कीम बनाते हैं, तो ये प्राचीन इतिहास में जो भी शासक थे वो भी कुछ ना कुछ योजना लेके आते थे, उन योजनाओं का एक काम होता था। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि योजनाएं कब से कब तक चली। देखिए, दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि हुई 1326 से लेकर के 1327, केवल एक साल। फिर हुआ राजधानी परिवर्तन, इसने करा था 1326 से लेकर के 1327। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने चलाया था 1329 से 1330। और खुरासान एवं कराचील का अभियान इसने स्टार्ट करा था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अफ्रीकी यात्री इबन बतूता, बहुत ये नाम आपने सुना होगा अगर आपको तैयारी करते हुए एक साल हो चुका है तो। इबन बतूता एक्चुअली बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी था, और ये भारत कब आया था आपसे पूछता है इसका वर्ष, ठीक है। तो इसका जो वर्ष था वो था आपका 1333 ईस्वी में इबन बतूता भारत आया था, और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त करा। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा, और इबन बतूता की एक पुस्तक थी। सबसे पहली बात तो ये भारत कब आया था, 1333 में, आप याद रखिएगा। और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था रेहला, में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन करा गया है। रेहला एक पुस्तक है जिसमें किस शासक का की घटनाओं का वर्णन करा गया है, जिक्र करा गया, मतलब पूरी जो रेहला जो बुक है वो किस शासक से संबंधित है, एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है। आपको याद रखना है मोहम्मद तुगलक। और इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी कि डाक व्यवस्था, मतलब
पत्र चिट्ठी कैसे पहुंचती थी, कैसे जाती थी, उसके बारे में इसने जिक्र करा है। और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है इसने इस पुस्तक में कि गुप्तचर किस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, दूसरे राजा के किस तरह से वो लोग महल में घुस के वहाँ की बातों को सुनते थे, उनकी युद्ध की प्लानिंग समझते थे और आकर के बताते थे राजा को। तो ये सब वर्णन जो करा गया है वो करा है रेहला में और ये लिखी है पुस्तक इबन बतूता ने। अब आपसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि रेहला के रचयिता कौन थे, ठीक है, तो आपको याद रखना है इबन बतूता। अब बढ़ता हूँ मैं अगले पॉइंट की ओर कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई, इसकी डायत हुई 1351 ईस्वी में। देखिए एग्जाम में आप एक काम करिए, 20 मार्च डेट और मंथ याद मत करिए केवल, लेकिन आपको वर्ष याद होना चाहिए। तो आप ये पूरा वर्ष याद रखिए, 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी इसकी डेथ। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने, ठीक है, दो भाई थे, उनका नाम क्या था, हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना करी थी। विजयनगर की स्थापना किसने करी थी आपसे पूछेगा, तो आपको याद रखना है दो भाई थे ये, एक का नाम था हरिहर एवं बुक्का, क्योंकि विजयनगर की स्थापना से संबंधित भी एक नया क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है। विजयनगर के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना करी थी और मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ पर इतिहासकार बर्नी क्या लिखते हैं इसके बारे में हम जिक्र करते हैं कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, मतलब दोनों ही परेशान थे कहीं ना कहीं। तो ये जो कथन है वो किसने लिखा था, ये लिखा था बर्नी ने उसकी डेथ के बाद। किसकी डेथ के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था, ये था आपका शेख अलाउद्दीन का, और वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोहनुद्दीन चिश्ती के दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन ओलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनाए, ठीक है। मकबरे किसने किसने किसके उसमें बनाए, तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। तो आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके खुद एक बार इसको बोल के देखिए और इसको लिखिए। आगे बात करते हैं कि फिरोज शाह तुगलक, मतलब फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नजदीक हुआ 20 मार्च 1351 को। और फिर क्या हुआ, पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ। मतलब राज्याभिषेक इनके, पता है, इनके एक्चुअली होते रहते थे, कभी कहीं पे कभी कहीं पे, नई स्टेट में जाएंगे तो नई तरीके से उनका भव्य स्वागत होगा। जब स्वागत में इतना खर्चा हो ही रहा है तो कहते हैं ठीक है यार, इसका राज्याभिषेक भी करी तो लग गया, तो उसमें खर्चा कितना आएगा। तो मतलब कि राज्याभिषेक से क्या होता था कि वहाँ की जनता को पता चलता था कि हाँ राज्याभिषेक इसका हो रहा है, तो मतलब ये हमारा आपसे राजा है। अगर सिंपल कोई किसी जगह पर बैठ जाएगा और कुछ कुछ पता नहीं चलता कि कौन राजा है, कौन मंत्री है, क्या है, तो इसलिए राज्याभिषेक हर स्टेट में राजा जाता था तो उसका राज्याभिषेक होता था। दिल्ली में अगस्त में 1351 में इसका राज्याभिषेक हुआ और खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। किस चीज की, कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि इसको प्रदान करी गई थी। और राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 जो टैक्स थे, काफी कष्टदायक जो टैक्स थे, उनको खत्म कराया। केवल 4 टैक्स उसने चलाए, ठीक है। बात कर रहे हैं फिरोज की, याद रखना, बात कर रहे हैं फिरोज की। फिरोज ने 24 टैक्स जो थे कष्टदायक उनको खत्म कराया, उसके स्थान पे केवल इसने 4 टैक्स लगाए, जैसे लगान, युद्ध में लूटा गया माल पर उसको बोलते थे हम लोग खुम्स, और जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। इसने बोला देखिए 24 कष्टदायक जो टैक्स है उसको फिलहाल मैं खत्म करता हूँ, केवल मैं अब जनता के सामने समक्ष रखूंगा केवल 4 टैक्स। कौन कौन से, खराज, खुम्स, जजिया एवं जकात। तो देखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि 24 कष्टदायक करों का समापन, मतलब समाप्ति किस राजा ने करी थी, तो आपको याद रखना है फिरोज तुगलक ने। आगे बात करते हैं, देखिए फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। ब्राह्मणों पर ये जजिया कर लगाया जाता था और ये कर किसने लगाया था, ये पहला मुसलमान शासक था कौन, ये था फिरोज तुगलक। और फिरोज तुगलक ने एक नया कर लगाया जिसको बोलते थे सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग होता था, 1/10 भाग। और फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया और फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना करी। इनमें हिसार, फिरोजाबाद जो दिल्ली में है, फतेहाबाद और जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख थे। इसके शासनकाल में
खिरजाबाद मतलब एक टोपरा गांव था एवं मेरठ से दो ये अशोक के दो स्तंभ लेके आया, ठीक है। उसको लाकर के इसने क्या करा, दिल्ली में स्थापित कर दिया। अशोक के दो स्तंभ हैं दिल्ली में, इसने शिफ्ट करे वहां से उठा करके ले आया। और सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना करी। दीवाने खैरात की स्थापना किसने करी थी, तो वो करी थी आपकी फिरोज तुगलक ने। और ये क्या था, दीवाने खैरात रियल में एक अच्छा विभाग था, इसने बहुत ही नेक काम करा। इसने अनाथ मुस्लिम महिलाओं विधवाओं और एवं जो गर्ल्स होती थी उनकी सहायता के लिए, लड़कियों की सहायता के लिए बहुत सारा काम करा। इसने पुण्य काफी कमाया काम करने के बाद में। आगे बात करते हैं, देखिए सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में सबसे अधिक दासों की संख्या थी, किसके शासन काल में सबसे अधिक दासों की संख्या थी, तो वो था आपका सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में सबसे अधिक दासों की संख्या थी, करीब 180,000 ये लोग थे जो दास थे फिरोज तुगलक के समय में था ऐसा। आगे बात करते हैं कि दासों की देखभाल के लिए जो दास होते थे, जो स्लेव होते थे, सुबह शाम राजा का काम करते थे, लेकिन विभाग था उनकी देखभाल करने के लिए भी फिरोज ने एक विभाग बनाया था जिसका नाम क्या था, दीवाने बंदगान। बंद मतलब बंदी, बंदी का मतलब दास, ठीक है। आप याद रखिएगा दीवाने बंदगान का संबंध है दासों की देखभाल के लिए। और ये विभाग किसने बनाया था, ये बनाया था फिरोज शाह ने, ठीक है, फिरोज तुगलक ने। आगे बात करते हैं, देखिए इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था, मतलब जो भी सैन्य पद थे वो वंशानुगत हो सकते थे। जैसे आप मानो कि आप सेनापति हो किसी राजा के, तो आपका जो भी पुत्र होगा तो वो क्या बनेगा, सेनापति ही बनेगा, अगर वो एलिजिबल है तो। अब ठीक है आप सेनापति हैं, आपको युद्ध काफी अच्छे से आता है, आपने काफी सारा एक्सपीरियंस रखा है, और आपके बच्चे को चाकू पकड़ना भी नहीं आता, तो फिर वो वंशानुगत नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था, किसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था, तो उसका नाम था फिरोज तुगलक। आगे बात करते हैं, देखिए कि इसने अपनी आत्मकथा फुतहात ए फिरोज शाही की रचना करी, और इसने जियाउद्दीन बरनी एवं शम्स ए सिराज अफीम को अपने संरक्षण प्रदान किया था, और इसने एक ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से, ठीक है, कुछ को फारसी में कन्वर्ट करा, फारसी भाषा में उसको अनुवादित करा। और तो इस तरह से आपसे पूछता है कभी कभी कि ज्वालामुखी मंदिर से उसने कितने ग्रंथों को लूटा, तो 1300 ग्रंथों को उसने वहां से लूटा, उसके बाद में उसको फारसी भाषा में इसका अनुवाद करा और दलायते फिरोजशाही नाम से इसका अनुवाद कराया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करे जिसे अद्या एवं विख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की डेथ कब हुई, ये हुई आपकी 1388 में इसकी डेथ हुई। आगे बात करते हैं कि फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तिलांगनी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है, ठीक है। तो इन दोनों के आपस में तुलना करी जाती है कि दोनों बिल्कुल सेम बने हैं। तो आगे हम बात करते हैं, देखिए फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया। और तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, उसका नाम क्या था, तुगलक वंश का अंतिम शासक, ये आप लिख लीजिए, संस्थापक पूछता है एग्जाम में और अंतिम शासक पक्का पूछता है आपसे, तो दोनों के दोनों पॉइंट ही आपको रखने हैं संभाल के अपने माइंड में। तो इसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रहा था। और तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसरुद्दीन के समय में ही मलिकुसर्क की उपाधि धारण कर हिजरा मलिक सरवार ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। आगे हम बात करते हैं, देखिए सैयद वंश के बारे में, उसके बाद में आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हो सकते थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों आपको इतना तो पढ़ना पड़ेगा जितना ये बुक में दिया गया है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं कहना चाहूंगा कि आपको इतना तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सीजल की तैयारी कर रहे हैं, आपको 4200 का स्केल चाहिए, आपको 4600 का स्केल चाहिए आपको, या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है, तो देखिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, साफ सीधी बात तो बच्चों ये है। अगर आप सोचते हैं कि बिना मेहनत करे एक छोटी सी बुक लूसेंट, ज़्यादा मोटी बुक ये नहीं है, मात्र 500 या 550 पेजेस खुले हैं इसके, बैक टू बैक काउंटिंग कर रहा हूँ मैं, बैक टू बैक मतलब एक पेज को मैं दो पेज में काउंट कर रहा हूँ, न्यूमेरिक दो ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप सोचिए कि वो भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना, नंबर ऐसे नहीं आएगा, रियल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
आप ठीक है, आप दिन में केवल 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां सोचिए जो बच्चा कम से कम 8-8, 7-7 घंटे दे रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ ठीक है घंटों में पढ़ाई नहीं होती है, क्वांटिटी से पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई होती है क्वालिटी से। देखिए क्वालिटी अगर आपको लानी है, लेकिन फिर भी आपको कुछ समय तो देना पड़ेगा उसमें, तभी तो नंबर आएगा। तो बच्चों आपको प्लीज सीरियस तरीके से तैयारी कर लो, अगर आपका टारगेट है कि 2017 का एग्जाम होगा कोई भी क्रैक करना है तो मैं कहूंगा आपसे आपका एग्जाम क्रैक होगा, पक्का होगा। मैं भी चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर भेजें कि सर मेरा सिलेक्शन यहां पे हो चुका है, मुझे काफी खुशी मिलेगी। मैं जितना प्रयास कर रहा हूं उतना प्रयास आप भी करिए। मैं आपसे कहता हूं कि नोट्स बनाइए, याद करिए, इसे नोट मत करिए, इसे तुरंत याद करिए, वीडियो को पॉज करिए। तो मैं पूरा फोर्स आपके लिए करता हूं। तो बच्चों मैं भी चाहता हूं कि आप भी मिलने ना सही, केवल अपने लिए कुछ ना कुछ तो करें। आप मत करो इस वीडियो को लाइक, मत करो कोई कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने लिए पढ़ो, क्योंकि एग्जाम एक जंग के समान है। अगर एक शिकार छोटे से खरगोश का करना हो, हथियार कम से कम शेर के लेके चलो, चीते के लेके चलो, पता नहीं जंगल में कब किससे मुलाकात हो जाए। मेरी बात पे गौर करिएगा। मैं बढ़ता हूँ फिलहाल अब सैयद वंश की ओर, 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक। देखिए सैयद वंश का जो संस्थापक था वो था खरीज खां। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा। मतलब रैयत आला मतलब भगवान का प्यादा, ठीक है, भगवान का एक मतलब कठपुतली की उपाधि इसने खुद को दी और उस पर खुश रहा। आगे बात करते हैं, देखिए खरीज खां तैमूर लंग का सेनापति था। खरीज खां कौन था या फिर ये किसका सेनापति था, आपसे एग्जाम में ये पूछता तो खरीज खां तैमूर लंग का सेनापति था। और भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खरीज खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खरीज खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। पर खरीज खां की डेथ कब हुई, ये हुई आपके 20 मई 1421 ईस्वी में। खरीज खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की और याहिया बिन अहमद सरहिंद को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त हुआ। देखिए इस लाइन में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बढ़ूंगा फिलहाल। यमुना के किनारे मुबारकबाद की स्थापना मुबारक शाह ने करी थी। यमुना के किनारे मुबारक का बाद की स्थापना किसने करी थी, तो ये स्थापना करी थी आपकी मुबारक शाह ने। और सैयद वंश का अब बात करते हैं, अंतिम सुल्तान कौन था। इसका अंतिम सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। और उसके बाद देखिए सैयद वंश का शासन करीब कितने वर्षों तक चला, तो ये टोटल वर्ष थे आपके 37 वर्षों तक ये पूरा शासन काल रहा। अब बात करता हूं मैं आपसे लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक, 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोद लोधी और 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोद शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली का सिंहासन पर ये व्यक्ति बैठा। ठीक है, बहलोद लोधी कब बैठा दिल्ली के सिंहासन पर, ये बैठा 1451 में। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोद लोधी। आगे बात करते हैं, देखिए दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय, अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, दिल्ली पर, ठीक है, ये जाता है बहलोद लोधी को। और बहलोद लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया और वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। जो उसके सरदार होते थे उसको वो क्या कहता था, मकसद ए अली। और वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था उनके रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये नहीं कि सरदार बैठे रहेंगे या वो खड़े रहेंगे वो बैठे रहेगा, ऐसा कुछ नहीं था इसके अंदर, अगर वो खड़े होंगे तो वो भी खड़ा होगा। देखिए बहलोद लोधी का एक पुत्र था निजाम खां, 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना करी। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का परिचलन सिकंदर लोधी ने करा। आगे बात करते हैं, देखिए गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया और इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में पर हंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर, नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर था, इसको ध्वस्त करा, तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया। देखिए अभी जो हम देखते हैं कि बाट वगैरह चलते हैं, पहले बाट नहीं होते थे। बाट मतलब वेट करने वाले जो लोहे के जो गोल गोल से होते हैं ना, जिससे हम तोलते हैं, साइड में एक किलो का बाट रख दिया। बाट का मतलब वेट की जो वो होती थी, आपको पता होगा बाट का अर्थ क्या, मैं कहना चाहता हूँ।
तो वो पहले नहीं होती थी, उसके स्थान पर रखते थे, एक स्थान पर रखते थे पत्थर और दूसरे स्थान पर रखते थे वस्तु को, इस तरह से उसको तोलते थे। तो उसने बोला कि ये पत्थर है, काफी कीमती पत्थर है, काफी महंगा पत्थर है, काफी अच्छा पत्थर है। तो उस मूर्ति को तोड़ दिया उसने और क्या करा, कसाईयों में बांट दिया कि मांस तोलो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इससे मुसलमानों को तजिया या ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों एवं संतों के मजार पर जाने का प्रतिबंध लगा दिया। और गले की बीमारी से सिकंदर लोदी की डेथ हो गई और ये हुई आपकी 1517 में। और इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम, मतलब इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठ गया। और 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला वॉर हुआ। आप याद रखिएगा, पानीपत का पहला वॉर में हर अपने वीडियो में जहां मुझे मौका मिलता है आपको बताता हूं कि पहला वॉर कब हुआ, सेकंड वॉर कब हुआ। तो आई होप आपको याद होगा अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं। तो अगर आप सब्सक्राइबर नए हैं तो कोई बात नहीं, सारे वीडियो देखिए, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो सभी आपको पता चल जाएंगे। देखिए, पानीपत का जो पहला वॉर हुआ वो हुआ 21 अप्रैल 1526 में। तो यहाँ पे आपको वर्ष के साथ में डेट और मंथ दोनों ही याद करनी है, एग्जाम में आपको वो देता है। 21 अप्रैल 1526 आपको देगा, 20 अप्रैल 1526, फिर देगा आपको 19 अप्रैल 1526, या फिर देगा आपको 10 अप्रैल 1526। तो आपको वो हर वर्ष बिल्कुल चारों ऑप्शंस में बिल्कुल सेम देगा, लेकिन आपको याद रखना है डेट और मंथ दोनों, क्योंकि ये एसएससी एग्जाम में कई बार देखा गया है, एमटीएस एग्जाम में और सीजीएल एग्जाम में। तो दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं मैक्सिमम चीजें आपकी कवरेज करवा दूंगा। अब देखिए, बात करते हैं कि इब्राहिम लोदी और बाबर से हार गया। तो पानीपत का जो पहला वॉर हुआ वो हुआ इब्राहिम लोदी जो था और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ, और बाबर इसमें क्या हो गया, हार गया। तो इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया, मतलब इब्राहिम लोदी की हार हुई इस युद्ध में, वह मारा गया। और बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने दिया था? देखिए, बाबर की तो ठीक है, इब्राहिम लोदी हार गया बाबर से। अब बाबर के बारे में बात करते हैं कि बाबर को एक निमंत्रण दिया गया था पंजाब के एक शासक, तो उन्होंने बोला था कि आओ यहाँ पर आओ और युद्ध करो। तो पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने उसको इनविटेशन दिया था कि भारत पर वो आक्रमण करे। और बात करते हैं आगे कि मोट की मस्जिद का निर्माण, मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। तो मोट के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, कब कराया गया था, तो ये आप याद रखना, ये कराया था आपका सिकंदर लोदी के वजीर ने, ना कि सिकंदर लोदी ने। उसके वजीर का नाम क्या है, इस बुक में नहीं दिया है, तो आपसे वजीर का नाम नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा केवल सिंपल किसके वजीर ने निर्माण कराया था, तो वो कराया था सिकंदर लोदी के वजीर ने। आगे देखिए, बात करता हूँ मैं सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में, कि केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था सुल्तान। और उसके बाद हम बात करते हैं कि बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावीन हो गए। देखिए, बाकी पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बात करूंगा डायरेक्ट आपसे बारे आजम के बारे में, कि सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। बारे आजम का क्या कार्य था, ये एक सुल्तान था, ये सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। और बात करते हैं मंत्री की, कैबिनेट इसकी क्या क्या थी, उससे संबंधित विभाग क्या थे। वजीर, वजीर का मतलब प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का ये प्रमुख होता था। और मुशरीफ ए मुमालिक, ये था महालेखाकार, मतलब अकाउंटेंट, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त इनकम एवं एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चे होते थे उन सबका लेखा जोखा रखता था। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए जो इम्पॉर्टेंट केवल जो विभाग है केवल उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, जो येलो से मैंने हाईलाइट कर रखा है, केवल और केवल ये हम पढ़ते हैं, आरिज ए मुमालिक, मतलब दीवान ए अर्ज जिसको बोलते थे, ये सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। दीवान ए अर्ज या फिर सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी को क्या बोलते थे, उसको बोलते थे आरिज ए मुमालिक। अगला है आपका काजी उल कजात, काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, ये होता था काजी उल कजात। अब बोलते हैं दीवान ए खैरात, यह आपका दान विभाग, दीवान ए बंदगान दास विभाग, दीवान ए इस्तहाक ये था आपका पेंशन विभाग। देखिए, अब तक हमने बात करी दान विभाग, दास विभाग और पेंशन विभाग के बारे में, मतलब दीवान ए खैरात किसने बनाया, उसको बनाने वाला सुल्तान कौन था, सुल्तान के बारे में हमने डिस्कस नहीं करा, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि विभाग और उसको बनाने वाला सुल्तान। क्योंकि एग्जाम में देखिए यहाँ पे ये भी पूछता है कि आपसे दीवान ए खैरात विभाग का निर्माण किसने कराया या विभाग किसने बनाया, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको बनाने वाला जो सुल्तान था उसका नाम क्या है, क्योंकि एग्जाम में देखिए यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है और पक्का बनता है। तो इसलिए केवल इतने से बात नहीं बनेगी कि दीवान ए बंदगान
दास विभाग को कहते थे या फिर दीवाने खैरात दान विभाग होता था। ये तो आपको याद करना है, साथ में आपको याद रखना है उसको बनाने वाला सुल्तान। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर कि दीवाने मुस्तखराज एक वित्त विभाग होता था और इसको बनाने वाला जो शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। आगे बात करते हैं दीवाने कोही। दीवाने कोही जो था वो था एक कृषि विभाग और ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो था, अर्ज का मतलब होता है सैन्य। अगर अर्ज को हम देखें तो इसका अर्थ होता है सैन्य विभाग था ये, और इसको बनाया था बलबन ने। किसने बनाया था इसको? इसको बनाया था बलबन ने। और दीवाने बंदगान। बंद का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, बंदी मतलब दास, अभी हमने देखा था कुछ समय पहले। तो हाँ ठीक है, आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करना, आपको दिख जाएगा। तो यह ये जो बनाया था, ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवाने खैरात, फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने इस्तहाक जो बनाया था, वो बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगर आपको किसी भी दीवान या विभाग के बारे में याद ना आए एग्जाम में तो आप लगा के आना फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि प्रायोरिटी मैक्सिमम इसकी ज़्यादा है विभाग बनाने की। और मैं चाहूँगा कि आप इसको तुरंत आज ही याद कर लें, रात को सोने से पहले एक दवाई की तरह इसको खाएं और इसको याद करें। क्योंकि देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, मैं अगेन बोलूँगा, फिलहाल मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आगे बढ़ता हूँ। फिलहाल देखिए, एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। बाकी देखिए ऊपर के मैंने पॉइंट छोड़ दिए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इसमें, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम। क्या होती थी? प्रशासन की छोटी इकाई वो होती थी ग्राम। और सुल्तान के स्थायी सेना को क्या बोलते थे? वो बोलते थे खास खेल। और मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। आगे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सल्तनत काल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक या अर्राद कहा जाता था। अर्राद याद रखिएगा, जो गोला फेंकने वाली जो मशीन होती थी उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे मंगलिक या अर्राद। आगे बात करते हैं, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त करा। एकता प्रथा का समाप्त किसने करा? इस प्रथा को किसने बिल्कुल अच्छे तरीके से मिटा दिया? तो ये करा था अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को दोबारा लागू किसने करा था? ये करा था फिरोज तुगलक ने। देखिए अलाउद्दीन खिलजी में और फिरोज तुगलक में कन्फ्यूज नहीं होना है। फिरोज ने क्या करा था? फिरोज ने इसको दोबारा से स्टार्ट करा था एकता प्रथा को, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया था। और सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। जो उस टाइम पे जो इम्पोर्ट होता था घोड़ों का, वो कहाँ से होता था? तुर्की, अरब एवं रूस से। और हाथी कहाँ से मिलते थे? मैक्सिमम हाथी जो मंगाए जाते थे वो मंगाए जाते थे केवल बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से। और सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित थी। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण पिलर होते थे, स्रोत होते थे। एक होता था कुरान, कुरान के आधार पर ही मुस्लिम कानून बने हैं। हदीस के आधार पर, इजमा के आधार पर या फिर कयास के आधार पर मुस्लिम कानून का निर्माण हुआ है। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान डिसाइड करने के लिए, निर्धारित करने के लिए मिश्रित प्रणाली को मुक्तोई कहा जाता था। भूमि की नाप या फिर जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण कौन करता था? जैसे कि हाउस टैक्स होता है, हाउस टैक्स जिसका एरिया ज्यादा होगा तो उसको हाउस टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये मेजरमेंट जो करता है वो कौन करता है? वो करता था आपका उस टाइम पे मसाहत, ठीक है, जो करता था इसका मेजरमेंट कि हाँ इसका टैक्स इतना बनेगा, इतना रुपीज इसको पे करना पड़ेगा, तो उसको बोलते थे मसाहत। और वैसे जो हाउस टैक्स करता है वो कौन करता है? वो करता है एमसीडी डिसाइड। आगे बात करते हैं कि इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी और पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? खालसा भूमि। जो सरकार के अंडर में होती थी उस भूमि को क्या बोलते थे? खालसा भूमि। और अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। और देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध हुआ। देवल जो था सल्तनत काल में एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में फेमस हुआ। तो आपको याद रखना है, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हमारे पास में थे कि कौन सा विभाग क्या था उसका नाम, जैसे कि आपने ऊपर देखा। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप प्लीज़
देख लीजिएगा एक बार दोबारा, इस वीडियो को वॉच करिएगा कम्प्लीटली और उसको याद करिएगा। मैं चाहता हूँ कि देखो एक बार तो देखने से वीडियो की बात नहीं बनेगी, आपको कम से कम दो बार ये वीडियो वॉच करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये सभी के सभी पॉइंट याद हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। क्योंकि देखो पढ़ाई के साथ साथ में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, बट कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि आपने एक वीडियो देखा और आप चढ़ गए फट्टे पर। ठीक है, तो अभी फिलहाल फट्टे पे बोलते हैं, ये थोड़ा सा देसी वर्ड है तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो ऐसा भी नहीं करना है कि आपको थोता जने बाजे घना, ये मुहावरा है हिंदी का, अब तो सही है। तो ऐसा भी ना हो, जो रियली जो रियलिटी होती है वो साफ झलकती है सामने, आपको उसको प्रेजेंट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। तो इसलिए ठीक है, पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एग्जाम में जाएंगे जो भी होगा याद आएगा सही समय पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पढ़ेंगे तो, अगर पढ़े नहीं तो फिर कहाँ से, फिर तो खाली आ जाएंगे, खाली आ जाएंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए बात मैं करता हूँ विजयनगर साम्राज्य के बारे में। मैंने आपसे कहा था विजयनगर के बारे में जरूर बात करूंगा, अब ये पॉइंट हमारा आ गया है विजयनगर साम्राज्य के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में, किसने करी थी, उसमें मैंने आपको बताया था दोनों भाइयों के नाम, अगेन रिपीट हो रहे हैं, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। पांच भाइयों के परिवार के ये अंग थे और विजयनगर का जो अर्थ होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है इसका जीत का शहर, जीत का शहर। देखिए अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी, बिल्कुल सही है, लेकिन स्थापना करते समय इसने एक संत का आशीर्वाद लिया था कि हम इस राज्य की स्थापना कर रहे हैं, हमको आशीर्वाद दो, हमारे द्वारा बनाया हुआ जो भी साम्राज्य है, ये नगर है, ये फले फूले और काफी उन्नतशील हो। तो उस संत का नाम क्या था, संत का नाम था आपका विद्यारण्य, आप याद रखिएगा विद्यारण्य। तो हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता से भी आशीर्वाद लिया और संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना करी। संगम राजवंश की स्थापना किसने करी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी, तो दोनों के ही जो नाम है बिल्कुल सेम है, हरिहर एवं बुक्का, लेकिन संगम वंश जो बनाया था उनके पिता का नाम संगम था, उसके नाम पर रखा और विजयनगर मतलब जीत का शहर, इसका ये मीनिंग था। आगे बात करते हैं, देखिए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी और विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा क्या थी, इसकी राजभाषा थी तेलुगु, याद रखिएगा विजयनगर की राजभाषा क्या थी, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, कई बार, तो इसलिए आप याद रखिएगा स्थापना किसने करी, कब करी और इसकी राजभाषा क्या थी। तो इसकी राजभाषा थी तेलुगु और इसकी स्थापना हुई 1336 में, करी किसने, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने, और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है, जीत का शहर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर कि हरिहर, हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी और इटली का यात्री था एक निकोलो काट्टी, विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। निकोलो काट्टी कहाँ का यात्री था, ये था इटली का, आप याद रखिएगा इटली का, और ये किसके शासनकाल में आया था, देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया और उसने देखा कि विजयनगर कितना ही उन्नतशील एक राज्य है और देवराय प्रथम ने क्या करा, तुंगभद्रा नदी पर एक बांध भी बनाया, एक डैम बनाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें लाई जा सके। ठीक है, एक डैम का निर्माण कराया इसने और सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनाया। सबसे पहली जो नदी थी वो थी तुंगभद्रा नदी। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन तुंगभद्रा नदी और ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे हरिंद्र नदी, ये पूछा गया एमपी पीसीएस एग्जाम में और यूपी पीसीएस एग्जाम में, एसएससी सीजल में इस तरह का इतना डीपी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये बुक आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी, जो भी अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और एसएससी सीजल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो एसएससी सीजल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे मैं बात करता हूँ, देखिए संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, ये था देवराय द्वितीय और फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आया था। कहाँ पर आया था, विजयनगर में आया था और प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय सेकंड के दरबार में रहे। आगे बात करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर लास्ट पॉइंट में मैं बात करता हूँ कि एक अभिलेख में देवराय सेकंड के जग बैठकर हाथियों का शिकारी कहा गया है। एक अभिलेख में देवराय सेकंड को क्या बोला गया है, हाथियों का शिकारी, ये हाथियों का शिकार करता था। आगे बात करते हैं हम लोग कि देवराय सेकंड ने संस्कृत ग्रंथ कौन कौन से लिखे थे, महानाटक, सुधा निधि एवं
ब्रह्मसूत्र। तो दो नाटक किसने लिखे थे? संस्कृत ग्रंथ लिखे थे। किसने लिखे थे? देवराय सेकंड ने। आपसे एग्जाम में यहाँ पे ये पूछता है कि ब्रह्मसूत्र के सूत्र के रचयिता कौन थे, तो उसका रचयिता थे आपके देवराय सेकंड। और मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन का नाम आपने सुना होगा, तो ये थे एक प्रौण देवराय भी इनको कहा जाता है। प्रौण देवराय किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मल्लिकार्जुन को। आगे बात करते हैं, देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, तुलुभ वंश के बारे में 1505 से लेकर के 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना किसने करी थी। देखिए तुलुभ वंश हमने कभी सुना नहीं है, ये तुलुभ वंश क्या था, सालू वंश क्या था, तो हमको इसके बारे में इतना आइडिया नहीं होता जब तक हम ढंग से नहीं पढ़ते हैं। ये एक बुक होने के बाद भी हम बुक की लाइनों को ढंग से नहीं देख पाते हैं, और ये MTS के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तुलुभ वंश की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी वीर नरसिंह ने। आगे बात करते हैं, देखिए तुगलक, ये तुलुभ वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय, और जो शासक बना था 1509 ईस्वी को। अगला जो पॉइंट है वो है कि तुलुभ वंश के महान शासक थे कृष्णदेव राय, 1509 में शासक बने थे, और कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। डोमियोस या फिर डोमिगोस पायस किसके शासनकाल में, कौन सा ये पुर्तगाली यात्री था, किसके शासनकाल में आया था और कहां पर आया था? दो क्वेश्चन बनते हैं, विजयनगर में आया था और किसके शासनकाल में आया था? ये आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। आगे हम बात करते हैं, देखिए कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्ता मालयाद एवं संस्कृत में जाम्बवंती कल्याणम या कल्याणम की रचना करी थी, और पांडुरक महात्स्यम की रचना तेनाली राम रामकृष्ण ने की थी। आगे देखिए, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। और तुलुभ वंश का अंतिम शासक कौन था? तुलुभ वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए संस्थापक और अंतिम शासक दोनों ही मैं अपने हर वीडियो में आपको कवर करवा रहा हूँ। आपको मैं मैक्सिमम संस्थापक भी और उनके अंतिम शासक भी कौन है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, तो आप उन सब वीडियो को भी देख लीजिएगा। अगर वीडियो देखने का मूड आपका बिल्कुल नहीं है तो आप बुक को उठा करके संस्थापक और अंतिम संस्थापक जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी एक नया क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है और बनता है कई बार। तो इसलिए तैयारी अच्छी रखिए अपनी, और तैयारी अच्छी होगी तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आपको बढ़ जाएगा। बात करते हैं आगे हम लोग की, तुलुभ वंश का अंतिम शासक कौन था? उसका नाम था सदाशिव। और राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर का पतन किस युद्ध के बाद हुआ, जिसको बोलते हैं राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध? इस युद्ध के बाद में क्या हो गया? विजयनगर का पूरी तरह से पतन हो गया। देखिए तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने करा था? ये करा था राम राय ने। और तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना स्टार्ट कर दिया। और बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम क्या था? घटते क्रम में सबसे प्रांत बड़ा था, फिर उसके बाद नाडू, नाडू के बाद मेलाग्राम, फिर बना आपका ग्राम। विजयनगरकालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले क्या करता था, इनको भूमि अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए एक विशेष भूखंड दे देता था, जिसको बोलते थे हम लोग अमरम। अगेन रिपीट कर रहा हूँ ये पूरी लाइन में एक बार, कि विजयनगरकालीन सेना नायकों को नायक कहते थे, और ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे, मतलब भूमि के स्वामी हुआ करते थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले एक भूमि उनको प्रदान करता था और कहता था आप इस भूखंड पर रह सकते हो, इस पर अब आपका पूरा हस्तक्षेप है, आप इस भूमि के साथ रखरखाव जो करना है ये जिम्मेदारी भूखंड की आपकी है, और इस भूमि को कहते थे हम लोग अमरम। आगे बात करते हैं, देखिए आयंगार व्यवस्था, तो एक व्यवस्था थी क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक गांव में ग्राम में को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारी होते थे। कितने? 12, और जिनको सामूहिक रूप से आयंगार कहा जाता था या आयंगर कहा जाता था। ये
अवैतनिक होते थे, इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद क्या था? अनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी भी रख सकते थे। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों के इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही किसी और व्यक्ति को दान करी जा सकती थी। आगे बात करते हैं लगान के बारे में कि विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था। ठीक है, सबसे बड़ा जो स्रोत था वो था आपका लगान, कि भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग होती थी। अब बात करते हैं, देखिए विवाह कर, विवाह कर जो था वर और वधु दोनों पे लगता था, बॉयज और गर्ल्स दोनों पे लगता था ये टैक्स। लेकिन अगर कोई विधवा स्त्री है उसके साथ में कोई पुरुष अगर विवाह करता है तो ये विवाह क्या होगा, बिल्कुल कर से मुक्त होगा। आप याद रखिएगा, विवाह कर किसने लगाया था और कौन सा कर विधवा कर जो था, इससे विवाह करने के बाद में ये कर मुक्त था। आगे बात करते हैं उमली। उमली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति हुआ करती थी। आगे बात करते हैं रक्त कोड़ंगे, मतलब युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को क्या कहते थे। मतलब जैसे कि हमारे इंडिया में अगर कोई सैनिक है, कोई अगर फौजी है, बॉर्डर पर एक्सपायर हो जाता है, उसको क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उसके मतलब कि उसकी शौर्यता के लिए उसको अवार्ड देते हैं, जैसे परमवीर चक्र, तो इस तरह के जो अवार्ड मिलते हैं। तो पहले भी ऐसे कुछ ना कुछ मतलब अवार्ड तो नहीं थे, तो क्या करते थे, उसके जो मृत हो गया उसके परिवार वालों को एक भूमि देते थे। उस भूमि को क्या बोलते थे, उसको बोलते थे रथ कोड़ंगे, रथ कोड़गे। अगला जो पॉइंट है वो है आपका वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, उसको बोलते थे कुदी। और विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था, इसको बोलते थे कदाचार। आप याद रखिए कदाचार। तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी क्या कहलाता था, दंडनायक, मतलब जो दंड देगा उसे बोलेंगे दंडनायक या सेनापति होता था। देखिए आपको एग्जाम में सेनापति नहीं देगा, आपको बोलेगा दंडनायक। ठीक है, विजयनगर राज्य में दंडनायक का प्रमुख कार्य क्या होता था, ये कौन होता था, ये होता था इस विभाग का उच्च अधिकारी, मतलब सैन्य विभाग का उच्च अधिकारी। और सैन्य विभाग कहलाता था क्या, कदाचार। आगे बात करते हैं, देखिए कि चेटियों की तरह व्यापार में निपुण तस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था, और उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहते थे, बडवा। आप याद रखिएगा बडवा किसको बोलते थे, जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर क्या करते थे, बस जाते थे। आगे बात करते हैं कि ये विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। विजयनगर में कौन सी प्रथा सबसे ज्यादा प्रचलित थी, ये थी दास प्रथा। मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहते थे, वेशवग कहा जाता था, मतलब आदमी बिकते थे और आदमी बिकने के बाद में क्या करते थे, उनसे काम लेते थे सुबह शाम 24 घंटे में से 18-18, 20-20 घंटे उनसे काम लेते थे। एक होता कोलू का बैल, कोलू का बैल सुबह शाम काम करते थे, वैसे ही ये दास प्रथा चली और उस टाइम में भी दास प्रथा बहुत प्रचलित थी विजयनगर के शासनकाल में। आगे बात करते हैं कि मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या बोलते थे, देवदासी। देवदासी मतलब भगवान की पूजा करने वाली मंदिरों में रहने वाली स्त्री को देवदासी कहते थे, और इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। अब बात करते हैं विजयनगर की मुद्रा क्या थी। ठीक है, विजयनगर की मुद्रा जो थी वो थी आपकी पगोड़ा, याद रखिएगा पगोड़ा। और बहमनी राज्य की जो मुद्रा थी उसको बोलते हैं हुड़, क्या बोलते हैं, हुड़। तो आप ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक बार बस मैं थोड़ा सा स्पीड में इसका एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ। आई होप आपको दोबारा रिवीजन कराने से शायद दोबारा वीडियो वॉच करने की जरूरत ना पड़े, बट मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप दोबारा एक बार वॉच जरूर करें। देखिए हमने क्या बात करी, खिलजी वंश के बारे में बात करी थी यहाँ पे अब तक। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको बताया था कि धन का लूटा हुआ जो भाग होता था सुल्तान का हिस्सा उसमें था, 1/4 के स्थान पर इसने करा 3/4, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था। उसके बाद में देखिए क्या करता था, व्यापारियों में बेमानी रोकने के लिए इसने कम तोलने वाले व्यक्ति को, व्यापारी को क्या करता था, शरीर का मांस काट कर देने का उसका आदेश था। उसने बोला था कि कोई भी अगर व्यापारी ऐसा मिलता है कि जो चीटिंग करे उसका बॉडी में से कहीं से भी एक छोटा सा शरीर का मांस काट लो। ठीक है, और उसके बाद अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल किसने बनाया था, इसके बारे में हमने जिक्र करा, ये बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कि खालसा भूमि क्या होती थी, और दो कर इसने बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने, चराई कर और गढ़ी कर। और इसकी डेथ हुई थी 1316 ईस्वी में, और स्त्रियों के वस्त्र पहनकर इसको बोलते थे बड़बोला, कौन था, मुबारक खिलजी।
और इसको ये क्या था, पूरा विदाउट कपड़े पहन करके बिल्कुल नग्न अवस्था में दरबारियों के बीच में आ जाता था। तो आपको याद रखना है, मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में क्या करता था, स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था और मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण करी थी। और देखिए, सभी पॉइंट मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, अगेन वीडियो की लेंथ दोबारा बहुत बढ़ जाएगी और कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल उनके बारे में मैं डिस्कस आपसे कर रहा हूँ। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता कब आया था, 1333 ईस्वी में भारत आया था, और रेहला पुस्तक किसने लिखी थी, ये लिखी थी इब्न बतूता ने, और इसमें किसका जिक्र करा था इसके बारे में हमने डिस्कस करा, और विजयनगर की स्थापना किन दो भाइयों ने करी थी इसके बारे में हमने आपको बताया, उनके भाइयों के नाम क्या थे, और फिरोज ने क्या करा था, 24 कष्टदायक करों को समाप्त करा था, उसके स्थान पर केवल 4 कर इसने लगाए, और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला ये पहला मुसलमान शासक था, और सिंचाई कर भी लगाया इसने, और 1/10 भाग पर सिंचाई कर इसने लगाया, और फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, 300 नए नगरों की इसने स्थापना करी, इनमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख थे। इसके बाद हमने बात करी दीवान खैरात, दीवान विभाग, इन सब के बारे में हमने आपको बताया, कौन सा विभाग कब बना था ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि लोधी वंश का संस्थापक था बहरोद लोधी, और अफगान राज्य की इसने स्थापना करी थी, पूरा श्रेय किसको जाता है, बहरोद लोधी को। और उसके बाद में हमने इसके पुत्र के बारे में आपको बताया, सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना करी, कब करी, ये सब आप देखिएगा। खासतौर पे आप इसको विभाग के बारे में तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, अगेन कि दीवाने मुस्त खराज क्या था, वित्त विभाग था, और इसका निर्माण करा था, इसको बनाने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, और दीवाने अर्ज था आपका सैन्य विभाग को बोलते थे, इसका निर्माण कराया बलबन ने। दीवाने बंदखान, दीवाने खैरा, दीवाने इस्तेहाक, इन सबको बनाने वाला केवल एक ही सुल्तान था मात्र, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों, बस इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और अलविदा करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन, उस बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। और आपका कोई भी फ्रेंड अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है पूरी ईमानदारी के साथ, उसके अंदर एक जील है, एक जज्बा है कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का, तो उस तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अगर पसंद आया हो तो। और जाने से पहले बस मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि परमात्मा में विश्वास तब तक नहीं हो सकता जब तक आप स्वयं में विश्वास नहीं करते। अगर आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है और आप सोच रहे हैं कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके मैं बहुत कुछ गेन कर लूँगा, बहुत कुछ मैं पढ़ सकता हूँ, मेरा नंबर आ सकता है, तो सबसे पहले आप खुद पर विश्वास रखिए कि हाँ, मैं जो भी पढ़ रहा हूँ पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ रहा हूँ, उसमें मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहा हूँ। तो इस तरह की अगर भावना आपके अंदर है, इस तरह का जील आपके अंदर है, तो डैम श्योर कि आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज़ अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है और आप इस चैनल पे विश्वास कर रहे हैं, तो उस विश्वास का कोई भी फायदा नहीं है। पहले खुद पर विश्वास करिए कि हाँ, मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है इस साल, मुझे किसी ना किसी कीमत पर कोई ना कोई जॉब गेन करनी है, और फिर आप देखिए वीडियो देखने में आपको कितना मज़ा आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। चलिए, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।